नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने कम डेटा वाले पैक से परेशान हैं और आप उस कम डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं पर आप कर नहीं पाते? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज मैं आपके साथ एक ऐप के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपके कम से कम डेटा को आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोनाथन, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी किंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस ऐप के बारे में बात करने वाले हैं वो है ओपेरा मिनी, जो बहुत पुराना जाना माना और पसंदीदा ऐप है। चलिए हम अब इस ऐप को खोल देते हैं और जो ऐप का लेआउट रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा। तो मैं आपको इसके नए फीचर के बारे में बताना चाहता हूँ जो है ऐड ब्लॉकर। हालांकि क्या होता है कि ऐड ब्लॉकिंग करने से जो डेटा है वो बहुत ही कम यूज़ होता है। आप कोई भी दूसरे ब्राउजर्स में देख लीजिए, वहाँ पर एड्स ऑटोमेटिक पॉपअप हो जाते हैं। आप कोई भी नया वेबसाइट खोलते हैं तो उससे क्या होता है कि एड्स आने की वजह से आपका डेटा बैकग्राउंड में जो है पूरा कंज्यूम होते रहता है, लेकिन ओपेरा मिनी पर वो आपको फीचर नहीं मिलेगा। तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम फेसबुक को खोल लेते हैं और आप देखिए यहाँ पर फेसबुक खोलेंगे तो वो कितनी जल्दी खुल जाएगा। ओपेरा मिनी दूसरे ब्राउज़र जैसे क्रोम से 74% फास्ट है और यूसी ब्राउज़र से 64%। तो आप देख सकते हैं कि कितना फास्ट खुलता है। मैं जूम करता हूँ, जूम आउट करता हूँ और यहाँ पर देखिए जो एड्स आते हैं वो एड्स नहीं आते। और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि एड्स 38 एड्स जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया इस ऐप को, फिर भी सिर्फ 38 ही। और आप स्विच भी कर सकते हैं, जितने भी ऐप्स चाहे उसके बीच में स्विच करते रहिए, वो लैग नहीं होगा और जो स्मूथ जो परफॉर्मेंस है वो स्मूथ आपका चलता रहेगा। और ये जो वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा डेटा कंज्यूम करता है, फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस कितनी स्मूथ है और कोई भी एड्स पॉपअप नहीं हो रही है। अगर आप कोई और ब्राउज़र यूज़ करते रहते तो अभी तक वहाँ पर कोई ना कोई ऐड तो पॉपअप हो ही जाता। हम वैसे ही YouTube भी खोल लेते हैं, ये हमारा टेक्नोलॉजी किंग चैनल ऑफिशियल चैनल खोलते हैं और वहाँ पर भी देखिए कोई भी एड्स पॉपअप नहीं हो रहे हैं और जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो अब अभी आप न्यू टैब खोल लेते हैं और वहाँ पर देखते हैं गूगल खोल के कि वहाँ से हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहता है। मैं जैसे आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहता हूँ यूट्यूब या और ये जो खुल रहा है तो आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथली खुल रहा है और बिना कोई एड्स के। अब आप यूट्यूब खोलेंगे और आप देख सकते हैं कि वो कितना स्मूथली और फास्टली खुलता है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर आप ओपेरा मिनी छोड़कर कोई और ब्राउज़र पे कोई वेबसाइट ओपन करोगे तो वो किस तरह से खुलेगा और जो एड्स है वो आपका डेटा कैसे कंज्यूम करेंगे। तो उसके लिए हम कोई भी रेफरेंस के लिए वेबसाइट ले लेते हैं, जैसे कि पॉकेट नाउ। मैं इसको भी देखते रहता हूँ ज़्यादातर। तो जैसे पॉकेट नाउ खुला तो ये देखिए थोड़ा स्लो खुल रहा था दूसरे से कंपेयर करेंगे, फिर भी हम ओपन करते हैं और इसके बाद देखिए अभी हम स्क्रॉल करेंगे ऊपर नीचे तो आप देखिएगा थोड़े एक दो सेकंड के बाद जो बैकग्राउंड में चल रहा है वो पॉपअप ऊपर आएगा और जो ऐड है वो वहाँ पर दिख जाएगा। तो आप देखिए इस तरह से देखिए वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लिखा है और वो जो ऐड है वही मेनली आपका डेटा जो बैकग्राउंड में कंज्यूम करता रहता है और आपको पता भी नहीं रहता है। तो अब हम वही वेबसाइट ओपेरा मिनी पे भी खोलते हैं और उसका डिफरेंस देखते हैं। तो चलिए हम वही वेबसाइट ओपेरा मिनी पे भी खोल लेते हैं, POCKETNOWG, और हम सर्च करते हैं तो आप देखिएगा वो जो ट्रांसलेशन है वो पहले से भी कितना स्मूथ खुलेगा। और हम पॉकेट नाउ पे टैप करते हैं, हाँ, और वो देखिए वो दूसरे वेबसाइट से भी फास्ट खुलेगा। हालांकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन उतना फास्ट नहीं है, फिर भी ओपेरा मिनी दूसरे ऐड्स को ब्लॉक करके वो दिखा देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉपअप आया है कि 6 ऐड्स जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं और हम वहाँ पर टैप करके हम देख भी सकते हैं कि कौन से ऐड ब्लॉक हुए हैं कौन से नहीं हुए हैं। तो आप उस चीज़ का ट्रैक रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहले 38 थे, अब ये देखो 51 ऐड्स जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं। तो ये कमाल का काम करता है आपका डेटा सेव करने में हो या फिर, और ये ओपेरा मिनी 90% तक जो वेब पेज है उसको कंप्रेस करके आपको बहुत ही फास्ट वहाँ पर डिस्प्ले करता है। तो दोस्तों, ये थे ओपेरा मिनी के नए फीचर्स और उसको यूज़ करने के फायदे। अगर आपको ये ऐप पसंद आया हो तो इसका लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको याद दिला देता हूँ कि ये iOS, Android और Windows में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। कोई और सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट में दे दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगा। तब तक के लिए मेरा नाम है जोनाथन, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी किंग। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।